जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे हाउ टू कंडक्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसको कंडक्ट करने का मकसद क्या है, यानी ये क्यों कंडक्ट किया जाता है और इसका टेस्ट कंडक्ट करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, टेस्ट के प्रोटोकॉल्स क्या हैं और फिटनेस इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे और फिटनेस इंडेक्स का फार्मूला क्या है, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेजर क्लाइंट्स एरोबिक फिटनेस बीइंग अ प्रिडिक्टिव टेस्ट ऑफ देयर VO2max। इट टेस्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रिफ्लेक्ट्स द जनरल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी to cope the increased physical workload and ability to recover from it। तो हम किसी भी खिलाड़ी की, एथलीट की कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस मालूम करने के लिए, उसकी एरोबिक फिटनेस चेक करने के लिए और VO2max यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन को चेक करने के लिए हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो खिलाड़ी का कंडक्ट करते हैं। This test is too simple to conduct and requires minimal equipment। Participants step at the rate of 30 steps per minute for 5 minutes or until exhaustion। There are many other variation of steps too। Generally जो test को conduct करने के लिए तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है उसमें खिलाड़ी जो है एक मिनट के अंदर 30 स्टेप उसने लेने होते हैं। 30 स्टेप कैसे लेने हैं वो आगे मैं इसको तस्वीरें भी दिखाता हूं और बताता भी हूं वो कि बेंच कैसा होना चाहिए, मेल और फीमेल के लिए उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये करना कितनी देर है, स्टेप टेस्ट जो आपने पहले एक पाँव को उस बेंच के ऊपर लेके जाना है, फिर दूसरे को लेके जाना, फिर नीचे लेके आना, तो 1 मिनट के अंदर ये 30 स्टेप आपने करने और 5 मिनट कंटिन्यूसली लगातार ये एक्टिविटी आपने फिजिकल एक्टिविटी दोहरानी है जहां तक कि आप थक ना जाएं। अगर उससे पहले थक जाएं तो तब आपने रुक जाना है। इसके लिए इक्विपमेंट्स कौन कौन सा होना चाहिए, इक्विपमेंट स्टेप आर प्लेटफॉर्म मेल 20 इंच 50.8 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 60 इंच और 40 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में भी याद कर लें, इंचेस में अंदर, यानी अगर हम बॉयज का कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो स्टेप है जिसके ऊपर अपने पांव उसका रखवाना है और नीचे लेके आना है वो उसकी ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर सेम एज के लोग हैं और गर्ल्स के ऊपर हम ये टेस्ट कर रहे हैं, गर्ल्स एथलीट को की कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस चेक कर रहे हैं, तो फिर उसकी ऊंचाई जो है वो 16 इंच या 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए, स्टॉप वॉच होनी चाहिए और बाकी जो चीज़ें टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब टेस्ट से पहले हमने क्या कुछ करना, प्री टेस्ट, एक्सप्लेनिंग द टेस्ट प्रोसीजर एंड सिंगिंग कंसेंट फॉर्म, सॉरी साइनिंग कंसेंट फॉर्म। एक तो जो टेस्ट के प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोसीजर है, जो तरीकाकार है, वो सारे का सारा एथलीट को समझाना है और फिर उनसे कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन करवाना है। रिकॉर्डिंग एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा, एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा यही है कि आपकी बॉडी के मसल बोन्स और बॉडी के अंदर फैट और पानी और ये सारी की सारी जो आपकी मेजरमेंट है आपकी बॉडी की, जिसमें आपकी हड्डियों की मैश भी हो सकती है, ये सारी की सारी आपकी कर ली जाएगी। इंडिविजुअल शुड बी रेस्टिंग सिटिंग डाउन फॉर 3 to 5 मिनट्स, यानी जिस बच्चे ने, जिस एथलीट ने, जिस खिलाड़ी ने वो टेस्ट देना है, जिसका हमने टेस्ट कंडक्ट करना है, उसको कम से कम 3 से 5 मिनट वो बैठे या लेटे, यानी वो पहले कोई फर्क वर्कआउट ना कर रहा हो, उसका कोई असर ना हो हमारे इस टेस्ट को कंडक्ट करने में। रेस्टिंग हार्ट रेट इज मेजर्ड, और जो रेस्ट के दौरान उसका जो हार्ट रेट है उसको नोट कर लिया जाए। अब टेस्ट प्रोटोकॉल क्या है, अभी आपको नजर आ रहा है लोग जो कर रहे हैं ये टेस्ट। द क्लाइंट स्टेप अप ऑन टू बैक डाउन फ्रॉम द स्टेप एट द रेट ऑफ 30
कंप्लीटेड स्टेप्स पर मिनट 1 सेकंड अप और 1 सेकंड डाउन, 60 सेकंड है, 1 सेकंड के अंदर आपने पाँव पहला रखना है, फिर दूसरा रखना है, फिर दूसरे सेकंड के अंदर दोनों पाँव आपने नीचे रखने हैं। तो ये 5 मिनट आपने करना है, या फिर उससे पहले जब वो खिलाड़ी थक जाता है ऐसी सूरत में। द क्लाइंट इमीडिएटली सिट डाउन ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट, वो टेस्ट कंप्लीट कर लेगा तो फिर बैठ जाए। टोटल नंबर ऑफ देयर हार्ट बीट्स काउंटेड फ्रॉम 1 to 1/2। मकसद यह है कि 1 से 1.5 मिनट के दौरान, यानी जब आप बैठ जाएंगे 5 मिनट वो स्टेप वाली एक्सरसाइज करने के बाद जब आप बैठ जाएंगे, तो फिर आपका पहला 1 मिनट नहीं, जब 1 मिनट के बाद से लेकर 30 सेकंड जो है 1 से 1.5 मिनट, फिर आपकी वो हार्ट बीट काउंट होगी। इसी तरह फिर 30 सेकंड फिर रेस्ट रुका जाएगा, और फिर आपकी 2 से 2.5 मिनट जब उसको हो जाएगा टाइम, तो फिर आपकी हार्ट बीट चेक की जाएगी। फिर आप 3 मिनट तक आप नहीं चेक करेंगे, फिर 3 से 3.5 मिनट जब टाइम हो जाएगा तो फिर आपकी जो हार्ट बीट चेक करके इसको रख लिया जाएगा, नोट कर लिया जाएगा। उसके बाद है जी फिटनेस इंडेक्स स्कोरिंग हमने कैसे करनी है। तो इसका तरीकाकार यह है कि फिटनेस इंडेक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड्स। अगर तो आपने पूरे 5 मिनट से एक्सरसाइज करवाई है या की है उसने, यानी वो स्टेप ऊपर जाना और नीचे आना, तो फिर 300 सेकंड बनते हैं 5 मिनट के। लेकिन अगर उसने 4 मिनट एक्सरसाइज की है, 3 मिनट की है, 4.5 मिनट, जितना टाइम किया है उसको आपने सेकंड में कन्वर्ट करके 100 से मल्टीप्लाइड कर देना, एंड डिवाइडेड बाय, और उसका बटा क्या होगा, किससे डिवाइड करना, टू मल्टीप्लाइड सम ऑफ हार्ट बीट्स इन द रिकवरी पीरियड। जो 3 रिकवरी पीरियड थे, 1 से 1.5 मिनट, 2 से 2.5 मिनट और 3 से 3.5 मिनट की जो हार्ट बीट्स हैं उनको जमा कर लेना है, और फिर 2 से ज़रब देंगे, मतलब जो भी उसका अमाउंट आएगी ऊपर वाली जो 100 ज़रब सेकेंड्स हैं उनके साथ तकसीम कर देंगे आप, तो जो जवाब आएगा कि मैं बताता हूँ उसको कि वो कहाँ तक जो है वो वैलिड है और कहाँ तक वो अच्छा है पुअर है, वो डिटेल बताता हूँ। If a total test was 30 seconds, if the client completed whole 5 seconds, तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ये फिटनेस इंडेक्स बता रहा है कि उसकी रेटिंग क्या है, यानी अगर 54 है तो ये पुअर है, और अगर 54 से 67 तक आपका फिटनेस इंडेक्स आ रहा है उसकी कैलकुलेशन के बाद, तो ये लो एवरेज है, और अगर 68 to 82 है तो ये एवरेज है, 83 से 96 तक ये गुड यानी अच्छा है, और अबव 90 से जो ऊपर है वो क्या है, वो एक्सीलेंट है। तो ये इस तरह से हम किसी भी एथलीट का, किसी खिलाड़ी का जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लेकर उसकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, उसकी एरोबिक फिटनेस चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट्स करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।